नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी भाइयों का स्वागत है। आप अक्सर हमारा जब YouTube या Facebook पे डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, लोगों की शिकायत होती है कि हिंदी में क्यों नहीं बात करी जाती। हमारा ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो पंजाबी लोग हैं, बट जब मैं आज स्टैट्स देख रहा था सुबह, तो हमारे दिल्ली के अंदर लाखों में फॉलोअर्स हैं। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर द पीपल हु लिव इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कैसे विदेश जा सकते हैं, आप कैसे हमारी कंपनी की सर्विस ले सकते हैं, आज उन चीज़ों पे सारी पे गौर करेंगे। देखिए, हमें 11 साल हो गए आज हम पढ़ाई के बेस पे बच्चों को विदेश में भेजते हैं। जब कोई इंसान एक लंबे अरसे तक एक काम करता है, उसको साधारण ज्ञान से विशेष ज्ञान हो जाता है। हर रोज़ हमारी रूटीन ये है कि हम लोग बच्चों से बातें करते हैं जिन बच्चों ने विदेश जाना है, बच्चों की समस्याएं सुनते हैं और उसका हल निकाल के उसको देते हैं। जैसे आज विदेश जाने वाले बच्चे में बहुत सारी कमियां होती हैं, बच्चे की पढ़ाई CBSE ICSE से ना होके ओपन स्कूलिंग से हो रखी होती है, बच्चा पढ़ाई छोड़ के नौकरी पे लग चुका होता है, 2-4 साल से कोई काम नहीं कर रहा होता। इस तरीके से बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पढ़ाई में गैप होता है, नंबर कम होते हैं, परसेंटेज कम होती है, हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आ सकता ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल भी हो जाते हैं, जो दूसरी बार तीसरी बार एग्ज़ाम देने पे पास हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या हल है, कैसे वो विदेश जा सकते हैं? आपने अक्सर देखा होगा हम कम नंबर वालों को अक्सर अट्रैक्ट करते हैं कि अगर आपके नंबर कम हैं हम फिर भी आपको भेज सकते हैं। आज समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और रोज़गार के साधन कम हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। आज विदेशों में क्यों जाते हैं ज़्यादातर पंजाबी लोग? क्यों जाते हैं? क्योंकि पंजाब में पहले ही रोज़गार कम है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है पंजाब के अंदर, इसलिए लोग विदेशों में जाते हैं। वहाँ जाके थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद PR ले लेते हैं। तो ये क्या, कैसे रूट होती है ये सारी चीज़ें? जब भी आप किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको 20 घंटे काम करना अलाउड होता है। उस 20 घंटे में आप वहाँ का कल्चर सीखते हैं, वहाँ के लोकल नॉलेज लेते हैं, कैसे वहाँ पे लोग सरवाइव करते हैं। जब आप एक कंट्री में 2-4 साल रह लेते हैं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन आपको सब कुछ पता चल जाते हैं, जिसके बिहाफ पे आप वहाँ काम करके कल को PR ले सकते हैं। आज बहुत सारे लोग कनाडा जाना चाहते हैं। समस्या क्या है कि पढ़ाई में नंबर कम होते हैं, समस्या क्या है कि IELTS में बैंड कम आते हैं, गैप पड़ चुका होता है, समझ नहीं आती कि कैसे फाइल अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें। अक्सर जो लोग हमारे पास दिल्ली से आते हैं, वो आके कहते हैं कि दिल्ली में कम नंबरों के ऊपर लोग फाइल ही नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, दे हैव स्टूडेंट्स लाइक 80% मार्क्स, 90% मार्क्स, क्योंकि कंपटीशन है। आज एक बहुत लंबी दौड़ लगी हुई है, नंबर लेने की दौड़ है, सीखने सिखाने की दौड़ कम है। हर एक इंसान नंबर ज़्यादा लेने चाहता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर कंपटीशन में आपके नंबर कम आते हैं, आपको किसी ढंग के कॉलेज, ढंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे के चाहे नंबर कम है, चाहे पढ़ाई में गैप हो चुका है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिसका कोई इलाज नहीं होता, जिसके कोई हल नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है। आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपका दांत दुखता है तो आप आंख वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप उसी बंदे को अप्रोच करेंगे जो वो काम करता है। सो वट एवर इज़ योर कंसर्न, वी आर रेडी टू टेक योर एप्लीकेशन। कैसे काम होगा? अब आज लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस है, आप दिल्ली से पंजाब नहीं आ पाओगे, चंडीगढ़ नहीं आ पाओगे, सारी की सारी सुविधाएँ आपको आपके घर पर मिलेंगी, ऑनलाइन मिलेंगी।
आप हमारे नंबर पे हमें कॉल कीजिए, आप हमें ईमेल कीजिए अपना डेटा, जो भी आपका कंसर्न है। आप एक मेल आईडी है मेरा me@vinayhari.com me@vinayhari.com। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे अपने कागज़ भेजिए, अपनी समस्या लिख के भेजिए, हम आपकी समस्या का हल आपके घर पे बैठ के करेंगे, आपको आना नहीं पड़ेगा कहीं पर भी। आज सबको पता है कि पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, हर रोज़ रोजगार जा रहे हैं, जो कारोबार वाला आदमी है उसके पास कारोबार नहीं है, कारोबार बंद हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, आने वाला समय और टफ होने वाला है। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं इसको, कि इस मौके को आप गवाइए मत। 10-12-15 लाख रुपया लगता है, इतने पैसे लगा के आप किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको वहाँ PR भी मिल जाती है। अब पढ़ना बंदा बोलेगा जी मैं क्या पढ़ूँ, मैंने तो मास्टर डिग्री कर ली है, मैं तो पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो एक टीचर हूँ, मैं एक नर्स हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं क्या पढ़ने जा सकता हूँ। 8 महीने का कोर्स करना पड़ता है आज कैनेडा में इमिग्रेशन लेने के लिए। आप कैनेडियन PR लेना चाहते हैं, वहाँ पे सेट होना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 8 महीने की पढ़ाई वहाँ पढ़नी पड़ेगी। 8 महीने की पढ़ाई पढ़ने के बाद आपको 12 महीने का वर्क परमिट मिलता है, जिसके बेस पे आप PR फाइल कर देते हैं। ये 8 महीने की जो पढ़ाई है, इसमें भी हफ्ते में 2 दिन पढ़ने जाना, बाकी 5 दिन आप काम कर सकते हैं। सारा का सारा प्रोसेस 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। अब लोग जानना चाहेंगे कि रोज़गार तो है नहीं, तो आप क्यों भेज रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए, आज कनाडा की जो पॉपुलेशन है 3 से 3.25 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 1 करोड़ लोग अगले कुछ दिनों में रिटायर हो रहे हैं। कनाडा कंट्री के अंदर एक और बीमारी है, दैट इज़ कॉल्ड बेबी बूम। ये उनकी समस्या है। ये समस्या क्या है कि उनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन की एज बढ़ चुकी है। इस टाइम वहाँ पे जो लोग हैं वो रिटायरमेंट एज में हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं। आज कनाडा को हर तरह का आदमी चाहिए, उनको इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, नर्स भी चाहिए, बिजनेसमैन भी चाहिए, सेल्समैन भी चाहिए। सो जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड आपको एक 8 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, जिसके बाद आप उसी फील्ड में काम करके अपनी PR ले सकते हैं। ये समस्या पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है गोरों के अंदर बच्चे पैदा करने का, शादी बनाने का रिवाज नहीं होता। ये हमारे लोग संस्कारी हैं, जो परिवार को साथ लेके चलते हैं। आज हमारी कंट्री के अंदर यंग लोग हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। इसलिए अगर आपके मन के अंदर कोई इच्छा है बाहर जाने की, कोई आपको पैसों की प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, यहाँ पे हर किसी ने देख लिया महामारी में कि आज सरकार की तरफ से आपको आश्वासन ही मिलेगा, क्योंकि जितनी हमारी आबादी है, ना तो सारे लोग टैक्स देते हैं, ना सरकार के पास इतना पैसा है कि हर बंदे को रोटी के लिए पैसे दिए जाएं। इसलिए मेरी बेनती है आप सबसे कि अगर आप आने वाला अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगले 2 महीने में आपका वीज़ा लग जाएगा, जैसे ही फ्लाइटें चलती हैं फिर आप फ्लाइट लेके कनाडा जा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो नंबर आपको इस कैप्शन में मिल रहे हैं, नंबरों पे जुड़िए, हमें व्हाट्सएप पे, ईमेल पे हमारे साथ संपर्क करिए, हम आपको घर बैठे सारी सर्विस देंगे, आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सारी काउंसलिंग हो जाएगी, किसी भी तरह का कोई पैसा आपसे पहले नहीं लिया जाएगा, पैसे आपने उस दिन देने जिस दिन आपका वीज़ा आएगा। आपको बातें अच्छी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी मिलते हैं फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।